हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। एक्सेस में आज क्या खास है, क्या सिखाने वाला हूं, आइए आपको बताता हूं। आज हम एसक्यूएल की बात करेंगे और एसक्यूएल में एक फीचर हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम क्या यूज करके और किसी कॉलम को ऐड करवाना हो एसक्यूएल में तो ऐड करवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी कॉलम को हटाना हो, रिमूव करना हो तो क्या यूज करेंगे तो वो कॉलम रिमूव हो जाएगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर इस तरीके का इंटरफेस आपके भी सामने आएगा। आपको क्या करना है, यहां से जाना है क्वेरी डिजाइन पर और क्वेरी डिजाइन पे आने के बाद इसको क्लोज कर देना है। जैसे ही क्लोज करेंगे तो यहां एसक्यूएल दिखाई पड़ेगा। इस वाले टेबल को क्लोज कर दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और यहां पर एसक्यूएल पे क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर हमें सबसे पहले तो टेबल बनानी है, तो टेबल बनाने के लिए हम लिखते हैं क्रिएट टेबल कुछ इस तरीके से। तो ये लिख दिया मैंने क्रिएट टेबल। अब टेबल का नाम क्या देना है वो देख लीजिए। लाइक मैं कह देता हूं हमेशा की तरह स्टूडेंट टी, यानी स्टूडेंट की टेबल। तो ये मैंने कर दिया स्टूडेंट टी, और स्टूडेंट टी करने के बाद एंटर करिए, नीचे आइए। यहां पर स्टूडेंट के रोल नंबर की बात करेंगे तो ये लिख दिया मैंने रोल अंडरस्कोर नंबर, तो ये रोल नंबर हो जाएगा। और ये किस तरह का डेटा टाइप होगा, ये इंट डेटा टाइप होगा और इसे हम बनाएंगे प्राइमरी की। तो यहां पर लिख देता हूं प्राइमरी की, सिंपली एंटर प्रेस किया। यहां पर रोल नंबर के बाद हमें यहां पे देना है फादर्स नेम, तो ये लिख दिया मैंने फादर्स। इस तरीके से हमने ये दे दिया और ये होगा आपका टेक्स्ट डेटा टाइप, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, इसके पहले हमें स्टूडेंट का नेम भी देना है, तो यहां पे कर देते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, इसको भी हम रख लेते हैं टेक्स्ट डेटा टाइप और कॉमा दे देते हैं, ठीक है। यहां पर हम फादर्स नेम के बाद कुछ भी देने वाले नहीं हैं, तो बस यहां पर इसको क्लोज कर दीजिए। और क्लोज करने के बाद जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा। यहां पे एपोस्ट्रॉफी की वजह से दिक्कत कर रहा है, चूंकि यहां पे कर देता हूं नेम ऑफ फादर, ठीक है। तो ये कर देता हूं इस तरीके से नेम ऑफ अंडरस्कोर करके फिर अंडरस्कोर फादर, ठीक है। तो नेम ऑफ फादर कर दिया, अब ये हमारा प्रोग्राम चलेगा, रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको यहां से हटा देता हूं, ये नेम जो लिखा हुआ है इसको हटा दिया मैंने। और यहां पे टेक्स्ट डेटा टाइप रख करके और फिर हमें क्या करना है, यहां से आप रन करवा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब ये रन हो गया, ये टेबल आपकी बन गई है, देख सकते हैं। अब यहां पर रोल नंबर में रोल नंबर डाल दीजिए, नेम ऑफ स्टूडेंट में नेम ऑफ स्टूडेंट डाल दीजिए। लाइक यहां पे एक स्टूडेंट का नाम डाल देता हूं और यहां पर उनके फादर का नाम डाल देता हूं, तो ये लिख दिया मैंने फादर का नाम, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहां पर रोल नंबर टू की बात करेंगे। रोल नंबर टू है श्याम और इनके फादर का नाम जो भी है वो यहां पे डाल दीजिए, ठीक है। तो ये कर देता हूं मिस्टर राजेश। इसी तरीके से करके और भी आगे हम डिटेल एंटर करते चले जाएंगे, लेकिन अभी हमें इसमें करनी है एक चेंजिंग। चेंजिंग क्या करनी है वो आपको अभी बताता हूं मैं, पहले इसको मैं क्लोज कर लेता हूं, ठीक है। हमें एक दूसरी क्वेरी बनानी होगी, ठीक है, और वो क्वेरी यहां से जा करके और फिर क्वेरी डिजाइन पर जा करके और फिर यहां से क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये क्वेरी हमारी एसक्यूएल पे क्लिक करने के बाद यहां से क्वेरी हमारी शुरू होगी। कैसे बनाना है इसको देखिए, क्वेरी बनाने के लिए अब यहां पर तो हम आ गए, यहां पर कुछ कोड हमें टाइप करना है, जिस कोड के टाइप करने के बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। तो यहां पे अल्टर कर देंगे हम, तो यहां पे लिखा मैंने अल्टर, ठीक है। और टेबल, किस टेबल को अल्टर करना है, तो उस टेबल का नाम है स्टूडेंट टी, तो यहां पे स्टूडेंट टी नाम के टेबल को हमें अल्टर करना है, तो ये लिख देते हैं स्टूडेंट टी, ठीक है। ये हो गया, और इसको करने के बाद यहां पर हमें ऐड करवाना है या रिमूव करवाना है, क्या करवाना है, तो हमें ड्रॉप करना है। किसको ड्रॉप करना है, नेम ऑफ फादर को ड्रॉप करना है, तो यहां पे लिखता हूं मैं नेम ऑफ अंडरस्कोर फादर, ठीक है। ये कर दिया हमने, और इसका डेटा टाइप भी मेंशन कर सकते हैं आप, टेक्स्ट डेटा टाइप था ये, तो ये टेक्स्ट डेटा टाइप दे सकते हैं यहां पे, और यहां पे इसको रन करवा दीजिए। रन करवाएंगे ना तो अब आप देखेंगे कि इसमें से नेम ऑफ फादर गायब हो चुका है। देखिए नेम ऑफ फादर आपको नहीं दिखाई पड़ेगा।